बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के वीडियो देखने वाले जो भी छात्र बीए पार्ट वन में हैं, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में हैं और वो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए हम लेके आए हैं एजुकेशन के थर्ड पेपर के बारे में। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। केवल 15 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इतना ही पढ़ लेना। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है इस यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप बरेली यूनिवर्सिटी से हों, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हर पोजीशन, हर दिक्कत, हर समस्या में आपका साथ देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वेबसाइट डाउनलोड, वेबसाइट पर जाकर हमारे पीडीएफ को, इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इनके क्वेश्चनों के आंसरों को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ कह रहा है विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, कह रहा है विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट और समान बालक में अंतर क्या होता है, और यहाँ बोला गया है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य पहचानिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप मतलब खुद आप देखेंगे ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। ठीक है, समझाइए। ये आपसे पूछेगा विशिष्ट बालक और समान बालक में अंतर क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य को पहचानिए। क्वेश्चन पर अपने बुक नोट्स जैसे पर टिक लगा लेना, वही पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे वो है विकलांगता क्या होती है, विकलांगता का वर्गीकरण और उनकी समस्याएं क्या हैं वो आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण दोष युक्त बालक की पहचान आप कैसे करने वाले हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने कहा कि श्रवण दोष युक्त बालक की पहचान आप कैसे करोगे, समझाइए। तो आप अपने बुक नोट जैसे पर है उसमें आपका ये क्वेश्चन दिया होगा, आप उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं, उसकी पहचान आप कैसे करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं, उनकी शिक्षा पिछड़ेपन के कारण को, कारण उनके उपायों के बारे में आपको बताना कि पिछड़ेपन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उनको दूर करने के उपाय कौन से हैं वो आपको याद करना है। मंदबुद्धि बालक की वर्गीकरण क्लास, उसकी विशेषताएं और उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसकी आप पहचान कैसे करोगे बताओ देखकर, तो वो चीज आपको याद करना है। मानसिक रूप से मंदिक बालक किसे कहते हैं, जिसकी शिक्षा के लिए एक शिक्षक की नीति आप कैसे, आप क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए आप शिक्षक हैं तो आप एक मान सकते हैं मंदिक जो बालक होता है उसकी आप शिक्षा की, मतलब कि आप उसको कैसे समझाने की, उसको शिक्षा कैसे देने की प्रयास करेंगे, वो आपकी नीति क्या होगी, उस नीति को आपको लिखना है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वही बात है समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं, पहचान उनके उपायों के बारे में देख लेना है। और लास्ट में क्वेश्चन यही है कि अधीम्य कह सकते हैं अधीम्य अक्षम बच्चों का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता, अधीम अक्षम बालक होते क्या हैं, और साथ ही साथ बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या होता है, और प्रतिभाशाली बालक बालक की शिक्षा हेतु शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसका बालक है तो उसकी अब शिक्षा टीचर की उस शिक्षा को देने का क्या दास्तव होगा, किस तरीके से देगा, किस नीति क्या होगी उसको पढ़ाने लिखाने की, ठीक है वो चीज़ आपको देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है 2022 के एग्जाम में, बाकी एक्स्ट्रा कुछ और नहीं देखना है, सारे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।